हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। लास्ट क्लास में हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में जाना था। हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? कितने होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स? 5। कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। गुड। आई होप आपने बहुत अच्छे से वो समझ लिया होगा और सारा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ योर न्यू लेसन, लुकिंग आफ्टर माई बॉडी। आप अपनी बॉडी की देखभाल कैसे करते हैं, क्या क्या आप करते हैं अपनी बॉडी को साफ करने के लिए, इस पूरे चैप्टर में हम वही जानेंगे कि आप अपनी बॉडी को साफ करने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए क्या क्या करते हैं। हाँ, तो इसके अंदर ये बच्ची रिया नाम है इसका। इसका एक पेट है किटन, बिल्ली का बच्चा है, इसको बाथ टब में उसने रखा हुआ है और एक सॉन्ग सिंग कर रही है। देखिए वो सॉन्ग ये है, आई विल वाइप यू क्लीन विद दिस टॉवल ब्लू, योर मिल्क एंड ब्रेड आर वेटिंग फॉर यू। वो उससे बोल रही है कि जल्दी से आप क्लीन हो जाओ और आपको मैं टॉवल से, ब्लू टॉवल से साफ कर दूंगी और आपका जो मिल्क और ब्रेड है वो आपका वेट कर रहा है। तो जल्दी जल्दी जो किटन है वो जल्दी जल्दी अपने आप को साफ कर रहा है, नहा रहा है। हाँ, तो हमारी जो बॉडी है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको साफ रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए आपको उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना भी ज़रूरी है। तो आप क्या करते हैं क्लीन करने के लिए अपनी बॉडी को? फर्स्टली आप अपने टीथ ब्रश करते हैं ना मॉर्निंग में। सबसे पहले उठ के क्या करते हैं आप? ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। आप दिन में दो बार ब्रश करते हैं, सुबह में उठकर और रात को सोने से पहले। पहला तो आपका ये हो गया काम। दूसरा काम क्या करते हैं आप डेली नहाते हैं। नहाने से भी आपकी बॉडी साफ हो जाती है। पहले आप ब्रश करेंगे, आपके टीथ साफ हो जाएंगे। आप नहाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी क्लीन हो जाएगी। हाँ, तो आप अपने टीथ साफ करने के लिए आप ब्रश करते हैं, अपनी बॉडी साफ करने के लिए आप नहाते हैं। तो आप अपने हेयर के लिए क्या करते हैं आप अपने हेयर में कॉम करते हैं डेली, ऑयलिंग करते हैं, ऑयल लगाते हैं। अब आ गया नेक्स्ट आपका हैंड। आप अपने हाथ कैसे साफ करते हैं? खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको अपने हैंड वॉश करना ज़रूरी है। टॉयलेट से आने के बाद आप अपने हैंड वॉश करते हैं, कहीं बाहर से आए आप तो आपने हैंड वॉश कर लिया। क्लियर? सो आप अपने हैंड वॉश करते हैं हैंड को साफ करने के लिए। अच्छा, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए आप क्या करते हैं? आप टाइम टू टाइम खाना खाते हैं। आप मॉर्निंग में उठते हैं, उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं आप, फिर उसके बाद क्या करते हैं आप अपना लंच कर लेते हैं, एट लास्ट में डिनर करते हैं आप। बीच में स्नैक्स वगैरह भी लेते रहते होंगे, तो आपकी इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी होती है। अगर आप हेल्दी फूड लेंगे तो ही आपकी बॉडी हेल्दी होगी, अगर आप हेल्दी फूड नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो आप अपने क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर प्रेस करते हैं, टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, है ना? आप उठेंगे, आप उठ के फ्रेश होंगे, नहाएंगे, उसके बाद आप अपने कपड़े वगैरह भी चेंज करेंगे, फिर उसके बाद रात में सोने से पहले भी आप अपने कपड़े चेंज करते हैं। क्लियर? हाँ। सो नेक्स्ट फैक्ट बता रहे हैं। ये फैक्ट क्या है? ये नेल्स ग्रो फास्टर इन समर देन इन विंटर। ये कह रहे हैं कि जो नेल्स होते हैं वो समर में जल्दी बढ़ते हैं विंटर के मुकाबले। समर क्या होता है? हमारी गर्मी। गर्मियों में जो हमारे नेल्स हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं और विंटर्स में जल्दी नहीं बढ़ते। और इन्होंने ये भी बता रखा है जो फिंगर के नेल्स होते हैं ना, वो पैरों के जो टोज की जो हमारे नेल्स हैं, टो नेल्स से ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं फिंगर्स वाले नेल्स। हाँ, तो हम अपने नेल्स को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं? वीकली या फिर जब भी आपके नेल्स बड़े हो जाएं तो आप उनको कट करके शॉर्ट कर लेते हैं। ऐसे करते हैं ना अपने नेल्स को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट, आपको स्लीप ऑन टाइम पे सोना है। और क्या करते हैं? कम से कम आपको 8 घंटे रात को सोना ज़रूरी है, तभी आप
अपनी अपनी बॉडी को और अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं। क्लियर, आपको ये समझ में आ गया? आप अपनी बॉडी को कैसे क्लीन करते हैं, कैसे देखभाल करते हैं आप अपनी बॉडी की? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप अपनी टीथ को कैसे साफ़ करते हैं, कैसे साफ़ करते हैं, ब्रश करके। उसके बाद मैंने बताया आप अपनी बॉडी को कैसे साफ़ करते हैं, डेली नहाकर। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, आप ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह में अपनी, और लंच वगैरह करते हैं, डिनर करते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। आप अपने क्लोथ को क्लीन करते हैं टाइम टू टाइम, उतार के उसको धुलवा कर, आयरन कर। ठीक है, अब ये नेल्स आ गए, नेल्स आप कैसे करते हैं, टाइम टू टाइम कट करते हैं। और आपको कम से कम 8 घंटे सोना ज़रूरी है अपनी नींद पूरी करने के लिए। हाँ, सो नेक्स्ट क्या है, ये ग्रैंडमा सेज, ग्रैंडमा क्या कह रही हैं, प्लेइंग इंडोर गेम्स इंक्रीजेस आवर नॉलेज एंड मेक्स अस स्मार्टर। तो क्या कह रही हैं कि जो इंडोर गेम्स होते हैं ना, वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं और हमें स्मार्ट बनाते हैं। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स, ये दो गेम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एक्टिव और हेल्दी बनाते हैं। अब इंडोर गेम्स कौन से होते हैं और आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? इंडोर गेम्स होते हैं जो आप अपने घर के अंदर खेल सकते हैं। आप अपने घर के अंदर कौन कौन सी गेम खेल सकते हैं? आप लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, और हाइड एंड सीक भी खेल सकते हैं आप। और जो भी आप घर में गेम खेलते हैं ना, वो सारे आपको इंडोर गेम है। जो आप बाहर जाके खेलते हैं, जैसे आपको बर्फ़ पानी खेलते हैं आप, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, खो खो, ये सब चीज़ें हम अपने हमारे आउटडोर गेम्स में आती हैं। क्लियर, और ऐसी आपकी ये एक्टिविटी है। आपको नेम टू इंडोर गेम्स यू लाइक टू प्ले, आपको 2 इंडोर गेम बताने जो आपको पसंद है खेलना, और 2 आउटडोर गेम मैंने आपको अभी बता दिया, तो आप उसमें आप ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको अपनी सारी बातें समझ में, मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स योर एक्सरसाइज टाइम। क्वेश्चन नंबर ए इज कलर द सर्कल ग्रीन। ये सर्कल दे रखे हैं हमें, जो हमें गुड हैबिट है हमारी, जो हमें अच्छी आदत लग रही है हमें उसमें ग्रीन कलर करना है, और जो बैड हैबिट है, बुरी आदत लग रही है हमें इनमें से, उसमें हमें रेड कलर करना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। वी मस्ट स्लीप लेट एट नाइट। आपको रात में लेट सोना चाहिए। आप रात में लेट सोते हैं तो ये हमारी बैड हैबिट है। तो हम यहाँ पे कौन सा कलर कर लेंगे? रेड कलर। क्लियर। नेक्स्ट, वी मस्ट कॉम अवर हेयर एवरी डे। आपको अपने बालों में कॉम करना चाहिए डेली। ठीक है, ये तो अच्छी आदत है, तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर करना है। क्लियर, ऐसे ही आपको ये पूरे कंप्लीट करने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर बी इज सर्कल द थिंग्स यू यूज डेली ऑरेंज एंड थिंग्स यू यूज वंस अ वीक ब्राउन। अच्छा, जो चीज़ आप डेली यूज़ करते हैं आपने उसके अंदर सर्कल करना है ऑरेंज कलर से, और जो आप वीकली या कभी कभी यूज़ करते हैं उसमें आपको ब्राउन कलर से सर्कल करना है। एग्जाम्पल, नेल कटर। नेल कटर आप डेली तो यूज़ करते नहीं हैं, आप वीकली अपने नेल्स कट करते हैं, तो आपको यहाँ पर कौन से कलर से सर्कल करना पड़ेगा? ब्राउन से, ब्राउन कलर से आपको सर्कल करना है। सोप डेली यूज़ करते हैं आप, तो आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर से। क्लियर, टॉवल भी आप डेली यूज़ करते हैं, आपको ऑरेंज कलर से करना है सर्कल। ऑयल आप कभी कभी यूज़ करते हैं, वीकली कर लेते हैं या वीक में 2 दिन, तो आपको ब्राउन कलर करना है। शैम्पू में भी आप डेली यूज़ नहीं करते तो आपको ब्राउन कलर का सर्कल। ब्रश और कॉम डेली यूज़ करते हैं तो आप ऑरेंज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ये ब्लैंक्स में फिल करना है करेक्ट आंसर। वॉश योर हैंड्स विद, हमें किससे अपने हैंड वॉश करने चाहिए? सोप एंड वाटर। सोप एंड वाटर। क्लियर, नेक्स्ट, टेक अ डैश एवरी डे। बाथ, क्या हमें बाथ डेली करना चाहिए? टेक अ बाथ। ऐसी थर्ड है, चेंज योर डैश बिफोर गोइंग टू स्लीप। चेंज योर क्लोथ्स।
कपड़े तो आप चेंज करेंगे सोने से पहले. वेयर डैश एंड डैश क्लोथ्स नीट एंड क्लीन. वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स. कॉम्ब योर हेयर प्रॉपरली. क्लियर. क्वेश्चन नंबर डी इज टेक करेक्ट द टेक राइट द करेक्ट आंसर. अब इनमें से जो आपको राइट लग रहा है आपको उसके अंदर टिक करना है. फर्स्ट इज यू शुड ऑयल योर हेयर वंस आ. आप अपने ऑयल कब करते हैं, अपने हेयर पे कब लगाते हैं, वीकली मंथली ईयरली. वीकली इसके पास राइट आ गया. नेक्स्ट यू शुड स्लीप एटलीस्ट फोर. कितने घंटे आपको सोना चाहिए, 8 आवर्स. क्लियर. ऐसी है यू शुड कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन. क्लियर. नाउ इट्स योर एक्टिविटी टाइम. क्वेश्चन इज यूज अ रेड क्रेयॉन टू मैच द थिंग विद द बॉडी पार्ट इट इज यूज्ड फॉर. अच्छा आपको ये पिक्चर्स दे रखी हैं और ये बॉडी पार्ट दे रखे हैं. अब आपको इन पिक्चर्स को मैच करना है रेड कलर से, रेड क्रेयॉन से जो यूज़ होते हैं. जैसे अब ये हमारा ब्रश है. ब्रश हम कहाँ यूज़ करते हैं, टीथ के लिए. किसके लिए यूज़ होता है, टीथ के लिए. तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मैच कर देंगे रेड क्रेयॉन से, रेड कलर से. क्लियर. कौन से कलर से करेंगे, रेड कलर से. ऐसे ही नेल से, नेल्स में क्या यूज़ होता है हमारा, नेल कटर. तो नेल कटर इससे मैच कर देंगे. ऐसी सोप है, सोप बॉडी से आएगा और कॉम्ब हमारे हेयर से आएगा. क्लियर. ऐसी बी है क्वेश्चन नंबर बी, पुट अ टिक फॉर द चिल्ड्रन हु आर क्लीन. अब बताना है कौन सा बच्चा इसमें क्लीन आ रहा है, कौन सा डर्टी आ रहा है. क्लीन हैंड्स क्लीन आ रहा है ना, तो क्लीन के ऊपर टिक लगाना है. डर्टी तो डर्टी क्लोथ्स हैं तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे. लॉन्ग नेल्स ये भी नहीं, क्लीन टीथ. क्लियर. हाँ तो लेट्स रिवाइज फर्स्ट. इसके अंदर आप अपने अब तक जितने भी चैप्टर कर चुके हैं, अपने 3 चैप्टर, आपने 4 चैप्टर जितने भी कर लिए हैं वो सब आपको यहाँ पे रिवाइज करना है. ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, बाकी करना आपको ही है. फर्स्ट में आपका क्या करना है, सर्कल द करेक्ट आंसर. अब आपको इसके अंदर देखना है जो करेक्ट आंसर है आपको उसके अंदर सर्कल करना है. फर्स्ट वी यूज़ आवर बैक एंड डैश, बैक एंड शोल्डर लेग्स. इन दोनों में से कोई एक आपको सही है, इन दोनों से एक. टू पुश आवर कैरी थिंग्स. हम कोई भी चीज़ कैरी करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, बैक एंड शोल्डर. बैक एंड हाँ, तो बैक एंड शोल्डर से करेंगे हम. तो शोल्डर पे हमें क्या करना है, सर्कल. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव डैश. इन दोनों में से कोई एक, 10 या 5 फिंगर्स इन वन हैंड. कितनी होती है वन हैंड में फिंगर्स, 5. ऐसे आपको ये पूरे 8 करने हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज वी टॉक विद आवर. हम किससे बात करते हैं, वी टॉक विद आवर. फर्स्ट इज वी वॉक विद आवर. हम किससे चलते हैं, लेग्स. किससे, लेग्स. क्लियर. नेक्स्ट वी यूज आवर डैश टू राइट. हम राइट लिखने के लिए क्या, कौन सी चीज यूज करते हैं, अपने हैंड्स. क्या, हैंड्स. क्लियर. ऐसे आपको ये पूरे 7 करने हैं. लास्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द क्रॉस वर्ड. इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपके दे रखे हैं 1 1 में आपको क्या दे रखा है, ये टोज. टोज बने हुए हैं ना ये, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1 में TOES टोज. सेकंड कहाँ है, ये रहा. सेकंड में क्या बनी हुई है, ये नोज. तो यहाँ पे नोज लिखना है NOSE नोज. ऐसे ही फोर्थ में, फोर्थ कहाँ है, ये रहा, लेग. फिफ्थ आर्म. 6 आई. क्लियर. अच्छा और डाउन में ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन में 2 है, डाउन में उनमें क्या लिखना है. फर्स्ट में लिखना है टंग, थर्ड में लिखना है ईयर. क्लियर. कर लेंगे ना आप सब ये. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. और आपका ये जो पूरा ये वाला जो आपका पेज है रिवाइज का, आपके ये लास्ट 4 चैप्टर्स इसके अंदर दे रखे हैं. आपने जो भी अपने चैप्टर्स करे हैं वही इन सब में क्वेश्चंस दे रखा है.
क्लियर, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये टाइम टू टाइम अपना वर्क मुझे सेंड करना है, क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, और यही आपका होमवर्क है आज के लिए, सिर्फ इतना ही। ओके बाय।